तो बेसिकली आज हम बात करते हैं फॉर्मूला कैटेगरी में इंफॉर्मेशन फॉर्मूला की। जी हाँ, इन्फो फॉर्मूला पे आते हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला पे। ये हमारा फॉर्मूला की कैटेगरी है जो कि बात करेंगे। अब एक चीज जान लीजिए, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला अकेले कुछ नहीं करता है, वो किसी फॉर्मूले के साथ जब मिलता है तो उसका एक अच्छा खासा यूज होता है, जो कि हम रिपोर्ट ऑटोमेशन में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला का आखिर यूज क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला लगाया सेल का। सेल सेल फॉर्मूला में आपको बताया क्या, किसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फाइल नेम लिखा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो फाइल की पूरी पाथ आपको पता चल जाती है। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। तो चलिए हम आपको एक बेनिफिट बताते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है और हम यहाँ पे दे देते हैं नेम और यहाँ पे सेल्स, मंथ भी दे देते हैं जैन पर, और इसका रिकॉर्डिंग की मंथ। परमिशन अच्छा दे दीजिएगा। हाँ, आप तो लेट आए थे ना। तो यहाँ हम रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के एक रैंडम डेटा निकालते हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो डेटा है, मान लीजिए कि वो डेटा इस तरह से रिपीटेड में। अब मुझे इस पे रिपोर्ट बनाना है। कॉपी करके हाँ वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। और ये मान लीजिए डेटा है हमारा, ठीक है सर। ये क्या हो गया, डेटा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। प्रॉब्लम है कि मुझे जो रिपोर्ट चाहिए, मैं जो रिपोर्ट चाहिए कि नेम नेम में यहाँ पे पूजा आएगा, और फिर यहाँ हमने जैन फेब मार्च का जो रिपोर्ट हमारा कब तक, कहाँ तक का डेटा है, अगस्त 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 तक का डेटा। इस पे हमने लगाया फॉर्मूला सम इफ का। सम इफ हमने गए क्राइटेरिया में, रेंज को सेलेक्ट किया, वापस C1 में आए, हमने पूजा को सेलेक्ट किया और वापस डेटा में आए, हमने अपना जैन को सेलेक्ट किया, तो जनवरी का टोटल आ गया। ए बाई ए को फ्रीज कर देते हैं, ए टू का ए फ्रीज कर देते हैं और बी बाई बी रह देते हैं, ताकि आगे जब ड्रैग करेंगे तो जैन फाइव मार्च के लिए वो अपना रेफरेंस को बढ़ाएगा। फिर इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है सर। अब मैं इसको उठाता हूँ और इस पे एक अच्छा सा चार्ट्स भी ले लेता हूँ। मान लीजिए एक रिपोर्ट बन गई जी। हमारी। ओके सर। अब ये रिपोर्ट हमारा पूजा का है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं मान लीजिए रिपोर्ट चाहता हूँ दूसरे शीट में मोहन का। तो मैं एक ड्रैग करता हूँ, मैं यहाँ मोहन सीट का नेम मोहन देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं देता हूँ मोहन, एंटर प्रेस करता हूँ तो रिजल्ट मेरा चेंज होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जैसे सीट नेम चेंज करूँ, ऑटोमेटिकली वो डेटा मोहन का हो जाना चाहिए। कैसे करें, तो हमने आपको बताया था कि हम सेल के अंदर अगर फाइल नेम देते हैं तो फाइल नेम में पूरी फाइल की पाथ विथ नेम आता है, सीट नेम। यहां मैं फाइंड का फॉर्मूला, या फिर फाइंड का फॉर्मूला लगा, दो तरीके हैं। एक तो आप फाइंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, फाइंड के फॉर्मूले में बोलिए कि क्लोजिंग ब्रैकेट और हमने इसको सेलेक्ट करके कॉमा 1 कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाया और बोला कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेन माइनस
ए वाले 28। एल फोर लो, एल थ्री हो सकती कंप्लीट लेंथ माइनस जो फाइन का रिजल्ट है वो आ जाए, तो यहाँ मोहन अलग। या फिर हम सिंपल एक जो नए एक्सेल का फॉर्मूला है टेक्स्ट आफ्टर में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद का टेक्स्ट दे दो, तो मोहन दे देगा। तो अब आपके पास अगर ओल्ड वर्जन का है जैसे कि 16 है और उससे पहले का वर्जन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर ऑफिस 365 या 21 है तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास तो है, तो मैं यही पे ही कर रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ सेल सॉरी टेक्स्ट आफ्टर सेल, और सेल में हम फाइल नेम दे देते हैं कॉमा, और यहाँ पे दे देते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट किसके लिए, टेक्स्ट आफ्टर। अब देखिए क्या होगा कि मैं शीट कॉपी करूँगा, तो देखिए डेटा यहाँ पे कहीं भी क्लिक चेंज कर दूंगा। हाँ गलत हो गया, मोहन के जगह मैं ओम डालता हूँ। ओम एंटर करते ही वापस ओम का डेटा आ गया। ठीक है सर, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो एक्सेल है सॉरी इन्फो फॉर्मूला है खुद का यूज नहीं है, वो किसी फॉर्मूले के साथ जब मिलता है तो अच्छा खासा यूज करता है। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं एक बार चलिए देखते हैं। तो सेल अब बात करते हैं एरर टाइप की। देखिए तो अगर आपके सेल में कोई फॉर्मूला एरर दे रहा है तो आप इफ एरर से, कोई भी फॉर्मूला अगर एरर दे रहा है तो इफ एरर से आप उसको ए कर देते हैं किसी और टेक्स्ट में या किसी और रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बट मुझे हर एरर के लिए अलग अलग रिजल्ट डिसाइड करने हैं, तो यहाँ पे एरर टाइप का फॉर्मूला आता है। टाइप जैसे नल, नल आया तो वन एरर टाइप वन रिजल्ट देगा, डीआईवी आएगा टू देगा, वैल्यू आएगा थ्री देगा। इस तरह से जब हम अपने एरर को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक नंबर में रिटर्न करेगा। अब जान लेते हैं कि जो एरर टाइप का फॉर्मूला है इसमें एरर है वो कब एरर आता है। जैसे नल की बात करें, नल आपको तब मिलता है जब किसी डेटाबेस से एक्सेल को कनेक्ट करते हैं उसके अंदर नल का एरर आता है। div/0 ये डिवाइड बाई जीरो का एरर है कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे जो कि मैथमेटिकल रूल के अगेंस्ट है, इसलिए div/0 आएगा। वैल्यू आने के चांसेस होते हैं कि जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो सही इनपुट नहीं पा रहा है या सही तरीके से आपने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू का एरर आएगा। RF का एरर आता है जब जो रेफरेंस आपने सिलेक्ट किया है या तो वो उसके लिमिट से बाहर है या फिर वो रेफरेंस को है ही नहीं, आपने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है सर, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लगाया और A1 को सिलेक्ट कर लिया, फिर A1 को मैंने डिलीट कर दिया, तो वहां पे RF का एरर आ जाएगा जहां फॉर्मूला लगा होगा। नेम का एरर तब आता है जब आपका फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर आपने अपर वर्जन का फॉर्मूला लोअर वर्जन में लगा रखा है, या यूजर डिफाइंड फॉर्मूला लगा रखा है जिसका कोड आपके इस एक्सेल फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, या आपने गलत स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। फॉर्मूला और फॉर्मूला के साथ रेफरेंस की बात करें, जैसे आपने इफ का फॉर्मूला लगाया उसके अंदर आपने रवि ले लिया, तो रवि को लेना चाहिए इनवर्टेड कॉमा में ले लिया आपने डायरेक्ट, तो रवि नाम का रेफरेंस खोजेगा, फॉर्मूला खोजेगा, नहीं मिलेगा, नेम का एरर देगा। नम का एरर डी गेट फॉर्मूले में आता है डुप्लीकेशन के लिए। एनए जितने भी लुकअप फॉर्मूले में वैल्यू नहीं मिलती है तो एनए आता है। गेटिंग डेटा एरर, हैश गेटिंग डेटा एरर आता है जब किसी एक्सेल को किसी अदर सोर्सेस से कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपको हैश गेटिंग डेटा का एरर शो करेगा। अब जो बाकी के तीन हैं, ये तीन जो आए हैं नए एक्सेल में, जैसे कि स्पेल, जैसे कि कोई एरर फॉर्मूला को आप लगा रहे हो और एरर फॉर्मूला को सही तरीके से इनपुट नहीं मिला है तो उसको स्पेल कहेगा। कनेक्ट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम में ब्लॉक जो लिंक वगैरह आपने कनेक्ट कर रखा है उसको किसी ने ब्लॉक कर रखा है। इसके बाद
यहाँ पे अननोन जो कुछ समझ में नहीं आया, फील्ड फील्ड का बात है एवी एरे में आता है, फील्ड का और आता है जब आपने सेलेक्ट किया लेकिन उसको पर्याप्त फील्ड नहीं मिला। कैलसी एरे फॉर्मूला की फॉर्मूला है, कैलकुलेशन जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहा एरे क्योंकि आपने सही तरीके से फॉर्मूला नहीं लगाया तो दिक्कत होगा। ये एरर के टाइप्स होते हैं, तो एरर टाइप इन्हीं फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करके देता है। अब आप जो है अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को नंबर के हिसाब से जो रिजल्ट देना चाहते दे सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला आता है कुछ इन्फो के, जैसे इज फॉर्मूले, इज के फॉर्मूला है इज ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो ट्रू, यहाँ पे इज एरर, अगर एरर आया तो ट्रू, सिर्फ एन ए को छोड़ के ई एरर होता है इज एरर, ये सब जितने भी एरर है सबको ट्रू फॉल्स में शो करेगा। जब इफ एरर का फॉर्मूला नहीं था 2003 में हम इसी इज एरर का इस्तेमाल करते थे। इज इवेन, अगर नंबर इवेन है तो यहाँ पे ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। इज लॉजिकल, इस फॉर्मूला सेल में जो वैल्यू दी गई है वो फॉर्मूले से दी गई है या वो दी गई है नॉर्मल, तो इस फॉर्मूला इसका यूज करता है। इज लॉजिकल, आपका रिजल्ट ट्रू फॉल्स है तो इज एन ए, ओनली फॉर एन ए में ट्रू फॉल्स आएगा। इज नॉन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अलावा ट्रू फॉल्स और नंबर है, इज नंबर नंबर है, इज ऑड है, तो ये इज के फॉर्मूले हमारे सामने है। इज आर एफ है, इज टेक्स्ट टेक्स्ट है, ये बाकी जो है ये अलग फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले इज के बाद नहीं, तीन फॉर्मूले ये अलग। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में ही रिजल्ट देता है। अब ट्रू एंड फॉल्स के को लेके आप अपने हिसाब से अपनी फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हो। अब बोलेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरा अकाउंट नंबर यहाँ डाला हुआ है, अगर जिस जिसने अगर नंबर टाइप टेक्स्ट टाइप किया हुआ है वो मुझे दिखा दे, तो इसके लिए सिंपल सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मतलब हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करके सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो कि यहाँ पे इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और A2 का हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके अपनी फॉर्मेटिंग डाल दीजिए, ओके दैट फॉर्मेट पेंटर लीजिए, नीचे की तरफ पेंट कर दीजिए, यहाँ भी कुछ भी टेक्स्ट होगा कुछ भी नंबर होगा हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री ही नहीं कर सके, तो यहाँ हम डेटा वैलिडेशन में अपना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इज नंबर का, इज नंबर और हमने दे दिया A2, अगर नंबर होगा तो यहाँ पे कॉपी करते हैं और नीचे की तरफ राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कर देते हैं वैलिडेशन देन ओके। अब यहाँ पे मैं नंबर टाइप करूंगा एक्सेप्ट कर रहा है, टेक्स्ट टाइप करूंगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। महेंद्र जी समझ में आया आपको कि नहीं? तो ये जो फॉर्मूले यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं इसका अपना कोई इंडिविजुअल यूज करे तो इसका कोई अपना यूज नहीं है, लेकिन हाँ किसी के साथ मिलता है तो अच्छा खासा यूज करता है। उसके बाद यह एन का फॉर्मूला और एन ए का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला और टी का फॉर्मूला मैंने टेक्स्ट फॉर्म में बताया था, नंबर को दिखाएगा टेक्स्ट को नहीं दिखाएगा, टेक्स्ट को जीरो कर देगा। एन ए आपका जस्ट एन ए देगा, शीट लगाते हो तो शीट का वैल्यू देगा कि शीट नेम शीट का नंबर क्या है सेल में, और या शीट्स करोगे कितने नंबर ऑफ शीट्स है, और टाइप फॉर्मूला बताता है कि वैल्यू में डली गई टाइप क्या है, तो इस टेक्स्ट की जगह पे मैं टाइप का ही फॉर्मूला लगा सकता था। तो यहाँ देखिए वन आया मतलब कि नंबर, अगर इस पे टेक्स्ट होगा तो इस पे टेक्स्ट होगा तो टू आएगा, इस तरह के नंबरिंग में दिखाता है। तो आप क्या करें इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में जाए, सारे इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें, अगर कोई डाउट्स होता है तो फोन कर लीजिएगा या फिर कल पूछ लीजिएगा।